कराची भी ठंड हो गई यार। गॉल ब्लैडर स्टोन्स, कोलीलिथायसिस, पित्त में पथरी। कभी सोचा है ये गॉल ब्लैडर होता क्या है? इस गॉल ब्लैडर में पत्थर आता कैसे? ये डॉक्टर साहब के पास कपड़े कितने हैं? गॉल स्टोन्स होने के चांसेस किन लोगों में ज्यादा होते हैं? नहीं भी सोचा तो खैर है, अब सोच ले। गॉल ब्लैडर यानी पित्ता पेट के सीधी तरफ आखिरी पसली के नीचे लिवर के साथ मौजूद होता है, जो खाने में मौजूद फैट्स को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। जब खाने में मौजूद चिकनाई आंतों के एक मखसूस हिस्से में पहुंचती है तो यही गॉल ब्लैडर पिचक कर एक सोल्यूशन रिलीज करता है जिसे बाइल कहा जाता है। फिर ये बाइल खाने में मौजूद चिकनाई को हजम करने में काम आता है। अब अगर किसी वजह से बाइल गाढ़ा हो जाए तो ये पत्थर की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसे बाइल स्टोन्स या गॉल ब्लैडर स्टोन्स कहते हैं। यहां से अब दो बातें मुमकिन हैं, या तो ये पत्थर बहुत आराम से गॉल ब्लैडर में बैठे रहें और दर्द और सोजिश ना करें, या फिर यही पत्थर गॉल ब्लैडर की नाली में फंस कर दर्द और सोजिश का बायस बने। अब बात करते हैं दर्द लेस स्टोन्स की। आमतौर पर 10-12% अफराद के अंदर ये मासूम पत्थरियाँ पाई जाती हैं, जो ना ही दर्द करती हैं और ना ही सोजिश का बायस बनती हैं। ऐसी मासूम पत्थरियों को किसी किस्म की इलाज की जरूरत नहीं होती। दर्द और सोजिश पैदा करने वाले गॉल स्टोन्स का बेहतरीन हल सर्जरी है, जिसको कोलीसिस्टेक्टमी कहा जाता है। गॉल स्टोन्स का दर्द पेट के सीधे हिस्से और आखिरी पसली के बिल्कुल नीचे या बिल्कुल बीच में खाने के बाद महसूस होता है और हार्ट अटैक और एसिडिटी के दर्द की नकल करता है। दर्द के साथ साथ मतली और उल्टी आना, भूख ना लगना और बुखार जैसी अलामत भी मुमकिन है। अब मेरा आपसे एक सवाल, अगर कोलीलिथायसिस यानी गॉल स्टोन्स सिर्फ दर्द ही कराते हैं तो फिर सर्जरी की क्या जरूरत है? पेन किलर से काम नहीं चलाया जा सकता? अगर कोलीलिथायसिस की सही वक्त पर सर्जरी ना की जाए तो सोजिश बढ़ने की वजह से कॉम्प्लिकेशंस का खतरा रहता है, जिसमें कोलीसिस्टाइटिस यानी पित्ते में इन्फेक्शन, पैंक्रियाटाइटिस यानी पैंक्रियाज में सोजिश और गॉल ब्लैडर कैंसर जैसे कॉम्प्लिकेशंस शामिल हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन्स होने का रिस्क इन लोगों में ज्यादा पाया जाता है। वैसे तो गॉल स्टोन से प्रिवेंशन मुमकिन नहीं, लेकिन अगर इसको सही वक्त पर पकड़ लिया जाए तो काफी सारे नुकसान से बचा जा सकता है। और अगर इन सब बातों के बाद आपके जहन में फिर भी सवालात हैं तो अच्छी बात है। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मेरा नाम है असद खान और यह है डॉक्टर साहब। यार खामखा मिल गया, इतनी भी ठंड नहीं है।